शाम 6 बजे बेरोजगारी दिवस के अवसर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रवेश प्रवक्ता 2017 में 261 विधानसभा शहर पश्चिम प्रयागराज की पूर्व प्रत्याशी क्रांतिकारी महिला नेता माननीय ऋचा सिंह जी के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश में चल रही जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लाए गए काले कानून संविदा छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्वक मशाल पद यात्रा निकाल कर छात्रों के हौसले को अफजाई किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुंठित एवं दूषित मानसिकता से ग्रसित नेताओं एवं एक विशेष मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक के इशारे पर चलने वाले पुलिस महकमे में माननीय ऋचा सिंह एवं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अवमाननीय हरकत करते हुए मारपीट की, जो निंदनीय कृत्य है। माननीय ऋचा सिंह द्वारा धरने पर बैठने के बाद वह इज्जत सह सम्मान सभी समाजवादी पार्टियों के साथियों को रिहा करते हुए वादा किया कि समाजवादियों के नेतृत्व में चल रहे जन आंदोलन की आवाज़ को भविष्य में दबाने की कोशिश नहीं की जाएगी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रुपेश जायसवाल की खास रिपोर्ट।